Hey guys, what's up? Good morning. I hope सब बढ़िया होंगे. So इसी के साथ this is Raj and welcome back to my YouTube channel आसिफ Vlogs. कल आपने देखा मेरा vlog, बढ़िया था. हमें खूब मजा आया, बहुत मस्ती करी हमने शाम को, तो मतलब next level हो गया. तो कल शाम के बाद हमारी पार्टी थी, तो पार्टी थोड़ी हार्ड हो गई, इसलिए मैं vlog कंटिन्यू नहीं कर पाया और आके मैं सो गया था. तो अभी मैं आज इसलिए लेट उठा और फिर हमने अभी vlog स्टार्ट किया. तो कल मेरा माउंट भी टूट गया, ये देखो यहाँ से. कल मैंने हेलमेट टांगा हुआ था अपना और जैसे मैं उतरा तो ये मेरा हेलमेट पे पैर लगा और ये टूट गया. तो काफी दिन हो गए थे जैसे कि मैंने बाइक की वीडियो नहीं बनाई और मेरा अपनी बाइक में एक छोटा सा मॉडिफिकेशन करने का मन कर रहा था खुद से. तो मैं सोच रहा था ये कैरियर हटा दूं. ये जो बैकरेस्ट है ना, ये भी मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता बाइक के ऊपर. मुझे स्टार्टिंग से ही नहीं पसंद, लेकिन मैंने इसलिए लगवा लिया था बिकॉज क्या है कि जो भी प्लेन बैठता है ना, तो वो उसको थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए होता है, वो बहुत ज्यादा जरूरी होता है. और लॉन्ग राइड्स कर रहे थे इस वजह से. अब मैंने सोचा कि ना इसको हटा दूंगा और विदाउट इसके रखूंगा, चाहे कोई बैठे या ना बैठे. मॉडिफिकेशंस क्या क्या कराए थे वो भी बता देता हूँ. ये मैंने ग्रिप लगाई थी यहाँ पे, लैमिनेशन मैंने कराई रखी है, आपने देखा है वीडियो में. ये मेरा चार्जर लगा हुआ है, ये मेरा फ्लैशर का स्विच है और ये मैंने लगवाया था जब मैंने लॉन्ग राइड पे गया था बद्रीनाथ वाली. ये बेसिकली सिगरेट लाइटर का भी काम करता है और एयर इन्फ्लेटर जो होता है उसका स्विच इसमें लगता है. और यहाँ पे दो USB पोर्ट भी है और ये लगी हुई है बकेट वाली सीट. ये बाइक रेस्ट है, ये टॉप रैक के लिए कैरियर है. और हाँ, वन मोर थिंग, मैंने एग्जॉस्ट भी चेंज कराए हैं. चेंज क्या कराए, मतलब रिप्लेस कराए, क्योंकि उसमें जंग लग गया था, तो दोनों वारंटी में मेरे चेंज हो गए हैं. दैट्स इट. बाकी एक्सेसरीज अपने ज्यादा लगवाई नहीं है बिकॉज मुझे पता था, मैंने आपको बताया हुआ कि मुझे रॉ बाइक ज्यादा पसंद है. तो अभी इसको और ज्यादा रॉ बनाने वाला है, इसको हटा देंगे अभी और देखते हैं कैसा लुक आता है इसका. ये देखो गाइस, लोकल सीट की पहचान. ये देखो, ये टूट गया इसका, मतलब ये इसको बिल्कुल, ये देखो इसको हटाने के लिए यहाँ पे चार नट हैं हमारे. फाइनली निकल गया. सो गाइस चेक दिस आउट, ये कैसी लग रही है इस टाइम पे विदाउट बैकरेस्ट एंड कैरियर, बहुत सही लग रही है ये. कैसे लगे आपको शॉर्ट्स, अच्छे लगे हो तो कमेंट करके जरूर बताना. और इधर है अपना बगीरा, मस्त लग रहा है एकदम. इस सीट के साथ सच में बहुत ज्यादा बेटर लग रही है. एक्चुअली मुझे सीट पर्सनली मुझे नहीं पसंद इतनी, लेकिन जब मैंने इसका कैरियर हटाया तब मुझे बहुत ही सही लग रही थी इस सीट के साथ, मतलब बहुत अच्छा लुक आ रहा है इसका. और ये देखो यहाँ पे मैंने अपना SJ कैम लगा दिया है. मैंने बताया था मेरा हेलमेट माउंट वो टूट गया, तो जो फ्रंट व्यू था वो इसी का था. इसकी क्लैरिटी आपने देखी, मैंने 1080 30 FPS पे रिकॉर्ड किया था जो मेरा फ्रंट व्यू था. वैसे मैं इसका फुल रिव्यू देने वाला हूँ नेक्स्ट वीडियो, होपफुली आई जाएगी इसके बारे में. इसका रिव्यू अनबॉक्सिंग हमने दिखा दी थी और अब इसका रिव्यू आने वाला है जिसमें कि मैं सारे आपको वीडियो क्वालिटी, जो भी इसके रिजोल्यूशन हैं, वो सारे मैं आपको उस पे वीडियो शूट करके दिखाऊंगा. और हाँ, ये जो लोकेशन है मेरे पीछे, ये बहुत सही लोकेशन है. पहले मतलब कि इधर से बहुत बार निकला लेकिन मैं इस लोकेशन पे कभी नहीं आया. तो वैसे मैं अभी शूट करने के लिए लोकेशन देख रहा था, तो मैं बाई चांस इधर आ गया, तो मस्त लोकेशन मिल गई फाइनली. अब हम यहाँ पे अपना शूट कर सकते हैं, नेक्स्ट वीडियोस भी यहाँ पे बढ़िया शूट हो जाएगी अपनी. तो अभी मैं निकलता हूँ यहाँ से और घर जाके फटाफट चेंज करते हैं बिकॉज बहुत ज़्यादा स्वेटिंग हो चुकी है. गर्मी बहुत ज़्यादा थी, मौसम ठीक है फिलहाल, फिर भी गर्मी बहुत ज़्यादा आज. तो गाइस अभी मैं मम्मी को लेके आधार कार्ड सेंटर गया था क्योंकि मम्मी के आधार कार्ड में कुछ अपडेट होना था. मुझे किसी ने बताया था कि BSNL का ऑफिस है यहीं पास में, तो उसमें आपका आधार कार्ड करेक्शन हो जाएगा वहाँ पे, मतलब ऐसे बैठते हैं लोग जो करते हैं. मैंने कहा ठीक है, तो फिर मैं वहाँ पे गया तो उन्होंने मेरे से पूछा कि आपके पास अपॉइंटमेंट है, तो मैंने बोला नहीं अपॉइंटमेंट तो नहीं है. मतलब ऐसे ऐसी कोई भीड़ नहीं थी कि बहुत ज़्यादा भीड़ होगी जहाँ पे बहुत ज़्यादा अपॉइंटमेंट की जरूरत पड़े, ऐसा कुछ ना, खाली था. तो फिर भी उन्होंने बोला, मैंने कहा नहीं है. तो बोले कि अगर आपको अर्जेंट में कराना है ना, तो आपको BSNL का सिम खरीदना पड़ेगा. तो मैंने बोला अच्छा ऐसा सीन है. तो मैंने बोला कितने का है सिम, तो बोले 250 rupees का. तो मैंने बोला चलो ठीक है. तो बोले कि पहले हम एक सिम देते थे, हम आपको दो सिम देंगे जिसमें कि हम आपको 250 रिचार्ज भी देंगे. ये देखो ये रहे वो दो सिम जो BSNL के मैंने ले लिया. एक्चुअली कोई आजकल BSNL यूज़ नहीं करता इतना, तो ये स्ट्रैटेजी है BSNL वालों की, जो भी मतलब आधार कार्ड में अपडेट होना है या फिर कुछ भी काम है, तो अगर आपको अर्जेंट कराना है तो आप BSNL का सिम खरीद लो, उनका सिम भी सेल हो जाएगा और काम भी हो जाएगा आपका. वैसे इसमें कुछ बुराई नहीं है क्योंकि आप आधार कार्ड करेक्शन कराने अगर कहीं जाते हो, जो कि प्राइवेट ऑफिसेज होते हैं,
तो वो लोग आपसे मतलब इतना 300 रुपये 350 रुपये ले लेते हैं। तो इट्स बेटर कि आप ऐसे ही जगह पे जाओ जहाँ पे आपको सिम भी मिल रहा है, उसमें रिचार्ज भी मिल रहा है। हालांकि मेरे इतना काम आने नहीं वाला, बट क्या पता मतलब आ ही जाएगा कभी ना कभी तो काम। तो इट्स गुड कि अपना काम भी हो गया और फायदा भी हो गया। ठीक है भाई, रिमिक्स में आ रहे तू। सेवन वेरी गुड, और टू वेरी गुड, और वेरी गुड, और आपकी क्या चेक को दिख रहा हो, क्लैपिंग कर रहे हो सब बच्चे। टू प्लस टू इक्वल्स टू फोर, फोर प्लस फोर इक्वल्स टू एट, एट प्लस एट इक्वल्स कम टू द क्लास। क्या अच्छा मैडम ने पढ़ाया नहीं? ये राइट है, ये भी राइट है और ये भी राइट है। आपको मिलता है स्टार ए बी सी डी ई एफ। तो अभी हमें जी लिख के दिखाओ, यहाँ से लिखो यहाँ तक। हाँ नीचे यहाँ पे नीचे लिख के दिखाओ, यहाँ से लिखो यहाँ तक। देखिए जिगी आप ऐसे एबीसीडी लिखते हो, दिखाओ आपने एबीसीडी कैसे लिखा है, ये देखो भाई, ये देख लो अगर किसी को एबीसीडी सीखना है तो। गाइस अभी मैं आ गया हूँ घर वापस और आज हमने बढ़िया शूट किया, और शूट करने के बाद आज हमने एक चीज और करी, हम गए थे अपना जिम का ट्रायल लेने के लिए, न्यू जिम देखने गया था मैं, बढ़िया था। बाकी मुझे थोड़ा सा डिसाइड करना है इसके बारे में। तो फिलहाल इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट करना मत भूलना कि आपको कैसे लगे आज के वीडियो। एडिटिंग करने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है मुझे क्योंकि मेरा लैपटॉप कंपैटिबल नहीं हो पा रहा, बाकी देखते हैं अभी क्या करना है। मिलते हैं आपसे कल, दैट्स इट, गुड नाइट, सब मस्त रहो, बोलो सब्सक्राइब कर देना चैनल को, सब्सक्राइब, थैंक यू, बाय, गुड नाइट, लव यू, बाय।